अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं ऋषभ देशवाल एक बार और फिर आपके साथ सामने लेकर आया हूँ कॉन्सेप्ट किंग सीरीज कंप्लीट मैथ्स मैराथन क्लास का सेशन, जो कि आप जबरदस्त कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड लेट्स बिगिन द सेशन। ज्वाइन कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट करिएगा फटाफट। ठीक है बच्चों, आप हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में जानते हैं, स्नाइपर डिफेंस अकेडमी, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन वेस्ट यूपी फॉर डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं हमसे। मेरठ हमारी तीन ब्रांचेज हैं, एक गंगानगर में, एक कंकड़खेड़ा में और एक हमारी पल्लवपुरम में। जो गंगानगर में है हमारी मेन ब्रांच, वो नियर IMT डिवाइडर रोड है, ठीक है, अपोजिट पंजाब नेशनल बैंक। और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारी फ्री सीरीज चली रही हैं, और जो हमारा बेसिकली क्या कहते हैं ऐप है स्नाइपर डिफेंस अकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर, उसे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपना आपको रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वहाँ से हमारे अफोर्डेबल कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो है परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, बस दो तीन कॉन्सेप्ट हैं इसमें, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा। मंथली इनकम हो गया था हमारा, टोटल मार्क्स वाला भी हो गया था। ये क्वेश्चन आप करिए सभी, आपके लिए फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा इसका। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ये क्वेश्चन करिएगा फटाफट। इन एन एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स आर 35%, ए पर्सन गॉट 80 मार्क्स एंड फेल बाय 25 मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। इस तरीके के मैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको कल करवा भी चुका हूँ, तो फटाफट करिएगा इस वाले क्वेश्चन को फटाफट। कमेंट सेशन में, कमेंट में आंसर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा फटाफट। सभी बच्चे करेगा फटाफट इसे। इस तरीके के मैं 3 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ कल आपको ऑलरेडी। क्या कह रहा है ये, इन एन एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स आर 35%, ए पर्सन गॉट 80 मार्क्स एंड फेल बाय 25 मार्क्स, फेल बाय 25 मार्क्स, तो फाइंड द टोटल मार्क्स। तो देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था 80 मार्क्स आए उसके और वो 25 मार्क्स से फेल हो गया, 25 मार्क्स से फेल हो गया। दूसरा कलर ले लेते हैं बच्चों पेन का, ये दिखाई नहीं दे रहा, रेड सही है। एटी प्लस ट्वेंटी फाइव मार्क्स कितने हो गए बेटा, 105। तो 105 अगर उसके आ जाते तो वो पास हो जाता, और इन एन एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स आर 35%। पासिंग मार्क्स है कितने, 35% के बराबर। पासिंग मार्क्स है कितने, 35% के बराबर। तो बच्चों टोटल मार्क्स पूछा है, इसका मतलब 100% पूछा है। तो आपको पता है सीधा सीधा 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो 100 की कितनी आ जाएगी आपका, 300। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। यही आपका क्या है, यही आपका टोटल मार्क्स है, यही आपका क्या है, यही आपका टोटल मार्क्स है। क्लियर है सभी को, किसी भी एग्जामिनेशन में, इन एन एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स आर 35%, ए पर्सन गॉट 80 मार्क्स एंड फेल बाय 25 मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हुए, 25 मार्क्स से फेल हो गया, मार्क्स कितने हुए, 105। 35% किसके बराबर है, 105 के बराबर है। 100% कितना हो गया आपका, 300। 100% कितना हो गया, 300 के बराबर हो गया। क्लियर है, इस टाइप के मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिए थे ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका नया कॉन्सेप्ट है, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन बी बॉय एंड जी गर्ल पार्टिसिपेटेड, एक्स परसेंट ऑफ बॉयज एंड वाई परसेंट ऑफ गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन, देन बी एक्स प्लस जी वाई डिवाइडेड बाई बी प्लस जी परसेंट। ये टोटल पास परसेंटेज है, क्या है, टोटल पास परसेंटेज है। ये नया कॉन्सेप्ट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं क्या, कि इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन बी बॉय एंड जी गर्ल्स, किसी सर्टेन एग्जामिनेशन में कुछ नंबर ऑफ बॉयज़ हैं जिनको हमने बी मान लिया, कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जिनको हमने जी मान लिया, पार्टिसिपेटेड, ठीक है, एक्स परसेंट ऑफ बॉयज़ एंड वाई परसेंट ऑफ गर्ल्स पास। बी में से एक्स परसेंट बॉयज़ पास हुए और गर्ल्स में वाई परसेंट गर्ल्स पास हुई द एग्जामिनेशन, देन टोटल पास परसेंटेज, टोटल पास परसेंटेज कितनी होगी, बी एक्स प्लस जी वाई डिवाइड बाई बी प्लस जी। ठीक है, देखिए ये एक तरीके से वैसे एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड है ये। क्या ये वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं बच्चों इसको। मान लो सपोज करो,
किसी क्लास में रेशो बाद में लेंगे, चलिए पहले ये देख लेते हैं। किसी क्लास में 20 बॉयज हैं, किसी क्लास में 20 बॉयज हैं, 30 गर्ल्स हैं, ठीक है। 10% बॉयज पास हुए और 15% आपका गर्ल्स पास हुई, ठीक है। तो टोटल पास परसेंटेज कितना हुआ ये निकालना है, टोटल पास परसेंटेज कितना हुआ ये निकालना है। तो देखिए 20% 20 × 10% प्लस 30 × 15% डिवाइडेड बाय 20 + 30, ये टोटल पास परसेंटेज आ गया। डिवाइडेड बाय 20 + 30, ये टोटल पास परसेंटेज आ गया, देख लीजिए ध्यान से। तो 20 का 10% कितना हो गया बच्चों, 2, प्लस 30 का कितना हो गया आपका 4.5, कितना हो गया 4.5। एक काम कर लो, इसे भी आप 20% ले लो, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता इनिशियली आपको डेटा जो है डेसिमल्स में मिले, आप इसको 20% कर लो बच्चों, 20% कर लीजिए इसको। तो 30 का 20% कितना हो गया बच्चों, 6, टोटल कितना है आपका 50, तो ये आ गया आपका 8/50, ये क्या आ गया आपका 8/50 × 100 × 100, तो कितना परसेंटेज हो गया ये 16%, कितना परसेंट हो गया 16%, कितना परसेंट हो गया 16%, ये आंसर है आपका। क्लियर है सभी को? देखिए ध्यान से सुनिएगा, बी बॉयज हैं, जी गर्ल्स हैं, एक्स परसेंट पास हुए बॉयज, वाई परसेंट पास हुई गर्ल्स। टोटल पास परसेंटेज कितना होगा, टोटल पास परसेंटेज कितना होगा ये पूछ रहा है। तो बी एक्स प्लस जी वाई डिवाइड बाई बी प्लस जी, बी एक्स प्लस जी वाई डिवाइड बाई बी प्लस जी, और ये टोटल पास परसेंटेज हो जाएगा आपका। तो 20% × 10%, तो 20 का 10% कितना होगा 2, 30 का कितना होगा 20% 6, डिवाइडेड बाय टोटल कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं आपके 50। तो अगर 8 पास होते हैं किसमें से, 8 पास होते हैं 50 में से, तो वो उसका 16% हो गया ना, ये पूछा है फॉर्मूले में पुट करके। इस तरीके से आपको करना है, वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं इसको। इफ अ कैंडिडेट गॉट ए परसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इलेक्शन वाले, और ये ऑलमोस्ट आपका लास्ट है शायद, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंचेंगे। परसेंटेज का एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा आज, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक बच्चों। ये है आपका, इफ अ कैंडिडेट गॉट 8% वोट्स इन अ पोल एंड ही वॉन और डिफिटेड बाय एक्स वोट्स, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ द वोट व्हिच वाज कास्टेड इन द पोल। क्या कहता है कि एक बंदा है ए, मतलब एक कोई कैंडिडेट है, उसे 8% वोट मिले, किसी वोटिंग मतलब पोलिंग हुई, वोट डले, उसे कितने परसेंट वोट मिले, 8% वोट्स मिले, ठीक है, और वो एक्स वोट से हार गया, तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ द वोट। तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 50 × x / a − 50। इस फॉर्मूले को लगा दीजिएगा, एक्स वो वैल्यू है जितने वोटों से वो हारा, ए वो वैल्यू है जितने वोट कैंडिडेट को मिले, जितने परसेंट वोट, और जितने से वो हारा एक्स नंबर ऑफ वोट्स, वो वोट्स हैं जितने वोटों से वो हारा, और ए क्या है आपका, ए वो वोट्स हैं जो उसको मिले, ठीक है। ये इलेक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अगर किसी इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को 8% वोट्स मिले, ठीक है, और वो कितने वोटों से हारा, एक्स वोट से हार गया, तो उसका टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पोल हुए होंगे उसमें, उसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पोल हुए होंगे, उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, 15 × x / a − 50। तो आपका यहाँ पर x वो वैल्यू होगी जितने वोट से वो हारा, a वो वैल्यू होगी जितने वोट उसको मिले, जितने वोट उसको मिले, 8% वोट जितने वोट उसको मिले, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएगा 15 × x / a − 50। क्वेश्चन देख लीजिए तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए कैंडिडेट गॉट 55% वोट्स इन एन इलेक्शन एंड वॉन बाय 36 वोट्स, कितने से जीत गया वो, 36 वोट से जीत गया है यहाँ पे,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स. पीछे देखिए क्या था कॉन्सेप्ट, इफ ए कैंडिडेट गॉट 8% वोट्स इन अ पोल एंड ही वॉन और डिफीटेड, ये एक्स जो है आपका क्या है, या तो वॉन है इतने नंबर वोटों से जीता है या इतने नंबर वोटों से वो हारा है, देन वॉट वॉज द टोटल नंबर ऑफ द वोट विच वॉज कास्टेड इन अ पोल. तो कुछ नहीं करना, 50 into x, ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 36, क्योंकि 36 वोटों से जीता है ना, 3600 वोटों से जीता है ना बच्चों, डिवाइडेड बाय a माइनस 50 मतलब 55% वोट मिले उसको, माइनस 50, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे. देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, 36,000 वोट डले हैं सीधा सीधा यहाँ से, मुझे समझ में आ गया है. देखते 55 माइनस 50 क्या हो जाएगा 5, ये कह रहे 10 से, तो 3600 × 10 कितने हो जाएंगे टोटल 36,000 वोट्स. क्लियर है सभी को? सीधा सीधा करना है आपको, 50 into x divided by a minus 50, ठीक है, और 50 into 3600 यहाँ पे इतने वोटों से वो जीता है, जीता हो या हारा हो, वैल्यू x की क्या आएगी, जितने वोटों से वो जीता है या जितने वोटों से वो हारा है, डिवाइडेड बाय 55 माइनस 50, यहाँ पे 55% वोट मिले थे, वहाँ पर फॉर्मूले में क्या होगा 8%, तो कुछ भी हो आपका ये आंसर आ जाएगा. क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को? इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए मान लीजिए ए कैंडिडेट गॉट 55% वोट्स इन एन इलेक्शन एंड वॉन बाय 3600, ठीक है, वॉन बाय 3600, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स. आप इसको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं. देखिए 55% वोट मिले, मतलब 55 out of 100 मिले होंगे ना इसे. इसको समझने का दूसरा तरीका देखिए, तो फॉर्मूले से मैंने बता ही दिया आपको, इसको समझने का दूसरा तरीका देखिए. फॉर्मूले में पुट कर देंगे पर कहां तक फॉर्मूला याद रखेंगे, ये भी तो समस्या है ना. 55% वोट मिले मतलब 55 out of 100 मिले होंगे, 55 out of 100 मिले होंगे. टोटल वोट अगर 100 डले, मतलब टोटल वोट्स अगर 100 डले तो उसको 55 मिले, है ना, और वो 3600 वोटों से जीत गया. तो ये जो 3600 वोटों से जीता है बच्चों, ये डिफरेंस कितना आ गया आपका 45, ये डिफरेंस कितना आ गया 45, इसका मतलब 55 वोट मिले और 45 डिफरेंस आ गया, 45 उसको नहीं मिले, उसके बाद भी वो जीत गया, तो जो जीतने का डिफरेंस होगा वो 10 ही तो होगा. समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो भाई, 55% वोट मिले इसका मतलब उसको 45% वोट नहीं मिले, 55% वोट मिले और आउट ऑफ 100 होता है ना 55% का, मतलब तो 45% वोट नहीं मिले, और 45% वोट ना मिलने के बाद भी वो कितने से जीत गया, 3600 वोटों से, तो इसका मतलब 55% और 45% इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस ही तो वो 3600 वोट है. जो जीता है 10% वोट फालतू मिले हैं 45% से, वो क्या है, वो जीतना उसका उसकी जीत इन्हीं वोटों से तो ही है, और उसकी वैल्यू दे रखी है इसने 3600, तो 10% की वैल्यू अगर 3600 दे रखी है बच्चों, तो 100% की क्या हो जाएगी, 100% की क्या हो जाएगी 36,000, 100% की क्या हो जाएगी 36,000. यहाँ गया आंसर. क्लियर आपको? क्लियर है सभी को? चलिए, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 8% एंड बायर गेट्स सी केजी मोर फॉर सम रुपीस बी, द न्यू प्राइस पर केजी, ठीक है, तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लगा देना ए बी अपॉन 100 इंटू सी, और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको बहुत. इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 8%, किसी आर्टिकल का प्राइस, मान लो चावल ले लो, चीनी ले लो या कुछ भी ले लो, अगर 8% से उसके प्राइस घट गए हैं, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 8% एंड बायर गेट्स सी केजी मोर,
बायर जो है अब प्राइस घटने की वजह से सीकेजी फालतू ले पा रहा है, ठीक है। तो फॉर सम रुपीज बी द न्यू प्राइस पर केजी, तो नया जो दाम होगा चावल हुए या कोई भी आर्टिकल हुआ वो क्या होगा, ये उसने पूछा है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, ए बी डिवाइडेड बाय 100 इनटू सी। क्वेश्चन देखते हैं इस पे, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 10% एंड बायर गेट्स 8 केजी मोर फॉर रुपीज 300, फॉर रुपीज 300 फाइंड न्यू प्राइस पर केजी। तो देखिए ए बी क्या था फॉर्मूला, ए बी 100 इंटू सी, पहले तो फॉर्मूले से बताऊंगा फिर कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इसके पीछे। तो देखिए ए बी अपॉन 100 इंटू सी, तो ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है, अब वो 300 रुपये में 8 किलो और फालतू खरीद पा रहा है। 100 इंटू सी कितने फालतू खरीद पा रहा है 8, कितने फालतू खरीद पा रहा है 8, तो ये गया आपका यहाँ से ये 4 ये 5, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 12 और जी ये 3/4, तो ये नया प्राइस है अभी, ये क्या है ये नया प्राइस है, ये क्या है अभी आपका ये नया प्राइस है, ठीक है। क्या ये नया प्राइस है जो आर्टिकल का है, ये नया प्राइस है अभी। अब इसको वैसे समझते हैं, देखिए प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 10%, 10% से रिड्यूस हो गया, इसका मतलब कोई चीज़ 100 थी कितने की हो गई अब 90 की हो गई। एंड बायर गेट्स 8 केजी मोर फॉर रुपीज 300, तो देखिए पहले वो 300 रुपए में अगर 100 के हिसाब से खरीद पा रहा होता, पहले वो 100 मान लो कोई चीज़ 100 की थी वो 90 की होगी, तो पहले वो 300 रुपए में कितनी खरीद पा रहा होता, 3 किलो, ठीक है। अभी वो कितनी खरीद पा रहा है 300 में, अभी वो कितनी खरीद पा रहा होगा 300 में, सॉरी ये उल्टा कर दिया, अभी वो 300 में कितनी खरीद पा रहा होगा, ठीक है। तो ये 3 किलो, 3 किलो से कुछ ज्यादा आएगा, है ना, 3 किलो से कुछ ज्यादा आएगा। और ये जो डिफरेंस दे रखा है बच्चे, डिफरेंस दे रखा है कितना, ये दे रखा है 8 केजी का, ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू जो आई आपकी, ये आपकी 1/3 मान लीजिए, तो 3 − 1/3 जो आपका यहाँ से आया, सॉरी 10/3, ये जो डिफरेंस आया आपका 10/3 − 3 ये किसके बराबर आया 8 केजी के बराबर, किसके बराबर आया 8 केजी के बराबर, 8 केजी के बराबर। तो वो अब 8 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, 8 किलो अब ज़्यादा खरीद पा रहा है, इसका मतलब आप ये भी मान सकते हो कि मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 100 किलो 3 किलो खरीद रहा था, मतलब 3 रुपये किलो के हिसाब से 100 किलो खरीद रहा था, अब इसके हिसाब से 10/3 की खरीद रहा है, तो टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी होगी 1/9 और ये इधर हो गया आपकी 24 केजी, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 24 केजी, 100 / 24 केजी, ये तो पहले प्राइस थे, अब 90 / 24 केजी ये नए प्राइस है, ठीक है। तो इतना बड़ा जाने से अच्छा है सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, ए बी डिवाइडेड बाय 100 × c, क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इफ़ ए नंबर ए इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय b%, देन द न्यू नंबर विल बी, अगर कोई नंबर आप बढ़ा देते हैं, कोई भी नंबर है, इफ़ ए नंबर इज ए, ठीक है, इफ़ ए नंबर ए इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय b%, से आपने वो नंबर बढ़ा दिया, देन द न्यू नंबर विल बी, अरे तो ये तो सीधा सीधा है भाई, उस नंबर को आपने 20% से बढ़ाया तो 120 अपॉन 100 हो जाएगा ना उस नंबर का, ठीक है। आपने 35% से बढ़ाया तो वो नया नंबर क्या हो जाएगा 135 अपॉन 100, आपने 50% से बढ़ाया तो वो क्या हो जाएगा 150 अपॉन 100, आपने 300% से बढ़ाया मतलब 70% से बढ़ाया तो 170 अपॉन 100, तो इसमें तो फॉर्मूले की ज़रूरत है नहीं, बाकी आपके सामने ये फॉर्मूला भी है बेसिक, क्लियर है, ये वाला आंसर बताइएगा मुझे क्या होगा। चलिए ये लास्ट कॉन्सेप्ट था बच्चों आपका, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, परसेंटेज का लास्ट कॉन्सेप्ट था, मतलब परसेंटेज की एप्लीकेशन खत्म नहीं, परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया एक तरीके से बेसिकली, एक एक कॉन्सेप्ट इसमें हमने परसेंटेज का कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की।
प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज का एप्लीकेशन रहेगा। अगर आपने ये अब तक जितने सात या आज हमारा आठवां सेशन है, जितने सेशन हुए हैं, अगर आपने ढंग से पढ़े हैं तो ही आपको अगला टॉपिक अब समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? बेसिकली आपने कोई भी चीज़ खरीदी, ठीक है, तो जिस प्राइस पे उसे ख़रीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिस प्राइस पे उसे बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, ये तो सभी जानते होंगे। अगर आपने कम में खरीदी ज़्यादा में बेची तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। अगर आपने कम में खरीदी और मतलब ज़्यादा में खरीदी कम में बेची, या जितने में खरीदी उससे कम में बेची, तो आपको हमेशा हानि होगी। हानि होगी मतलब लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा क्या? बेसिकली आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा बच्चों, तो एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट। और अगर आपका लॉस होगा तो सी पी माइनस एस पी इज इक्वल टू लॉस। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की, तो परसेंटेज हमेशा से स्टार्टिंग में पूरे कम से कम सात सेशन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़, इतने क्वेश्चन के साथ आपने किया है, तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो बेस वैल्यू क्या होनी चाहिए? हम प्रॉफिट किस पे निकाल रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पे। लॉस किस पे निकाल रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए बेस वैल्यू क्या होगी हमारी? कॉस्ट प्राइस होगी। तो एस पी माइनस सी पी, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो किस पे करेंगे? सी पी पे। एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। सी पी माइनस एस पी, ये हमारा लॉस है, डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, ये हमारा लॉस परसेंटेज आ गया। समझ में आया? क्लियर? देखिए फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं होना कि एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप कर लोगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप फॉर्मूले रट के चले जाना। थोड़ा सा उसने घुमा दिया, मार्क प्राइस दे दिया, कुछ और दे दिया, सी पी पूछा बाद में, और फिर उसके बाद उस पर प्रॉफिट पूछा, आप लगे रह जाना फॉर्मूला लगाते हुए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने का नहीं। क्लियर है? या आपको अब तक इतने सारे सेशन पढ़े होंगे आपने, इतने सारे फॉर्मूले भी बताए मैंने, बट हर एक के साथ कॉन्सेप्ट भी बताया। इतने सारे फॉर्मूले बताने के बाद भी मैंने हर एक के साथ कॉन्सेप्ट बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, एक को एक किसी भी एक चीज़ को करने के लिए कम से कम 10 से 20 तरीके बताए हैं, और इतने मेथड बताने के बाद आपका इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। और कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वो कर लेगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लगे रह जाएंगे। प्रॉफिट क्लियर है? एक बार और बता देता हूँ, प्रॉफिट क्या होता है। किसी भी बंदे ने या किसी ने भी, ठीक है, किसी ने भी कोई चीज़ खरीदी, कोई आर्टिकल खरीदा, जितने पे उसने खरीदा वो सी पी हुआ, जितने पे उसने बेचा वो एस पी हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ आपका? जितने पे खरीदा उससे ज़्यादा पे बेच दिया वो आपका प्रॉफिट हो गया, मतलब एस पी माइनस सी पी। लॉस क्या हुआ? जितने पे खरीदा उससे कम पे बेच दिया, मतलब सी पी माइनस एस पी। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ? एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। लॉस परसेंटेज क्या हुआ आपका? एस पी माइनस सी पी सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। क्लियर है? सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। चलिए फटाफट सेशन को शेयर कर दो बच्चों। यहाँ पर आकर आपके ऑलमोस्ट इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। एक मैराथन कॉन्सेप्ट सीरीज का एक सेशन, मतलब एक तरीके से एक टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो गया आपका, और उस टॉपिक से बनने वाले 30-40% टॉपिक भी खत्म हो गए हैं आपके। SI करवा दिया उसमें, CI भी करवा दिया उसमें, ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें ऑलरेडी बता दी हैं कि आपके ऑलमोस्ट 3-4 चैप्टर हो चुके हैं पिछले सेशन में, जितने भी सेशन अब तक हुए हैं। ये मैंने आपको बताया CP, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोडक्ट। आपने जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट किया किसी प्रोडक्ट के लिए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम CP कहते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने जितना भी किया किसी प्रोडक्ट के लिए उसे हम CP कहते हैं। SP CP से बड़ा होगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा, तो SP माइनस CP ऑलरेडी टोल्ड यू। SP CP से छोटा होगा तो हमेशा लॉस होगा, तो CP माइनस SP आपका लॉस होगा। SP CP के बराबर होगा, मतलब जितने में खरीदा और जितने में आपने बेच दिया उसको, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो नो लॉस और नो प्रॉफिट। नो लॉस और नो प्रॉफिट, क्लियर है सभी को? नो लॉस और नो प्रॉफिट क्लियर है बच्चे सभी को? चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। अब लेवल प्राइस, मार्क प्राइस और प्रिंटेड प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी आपका। मार्क प्राइस क्या होता है? देखिए सपोज करिए, लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर मैं अपना कोई शॉप खोलता हूँ, ठीक है, तो मैंने किसी इंडस्ट्री से 100 टी शर्ट्स खरीदी, ठीक है, वो मुझे कस्टमर्स को बेचनी है,
इंडस्ट्री से मेरे को वो पड़ी आपकी 100 रुपीज़ की। 100 रुपीज़ की पड़ने के बाद यहाँ पर जब मैं शॉप पे लाया तो मैंने उस पर एक प्राइस लगा दिया, एक टैग लगा दिया कि ये 150 की है। कितने की है? 150 की है। कस्टमर आया, कस्टमर ने वो देखा कि ये 150 की है, कस्टमर ने बोला कि भैया 150 की है, डिस्काउंट कितना? मैंने बोला मैम, या कोई भी कस्टमर आया, मैंने बोला कि 10% का डिस्काउंट है। तो 150 पे 10% का डिस्काउंट, मतलब मैंने 15 रुपये का डिस्काउंट उसको दे दिया। तो मैंने कितने की बेची वो शर्ट? वो मैंने 135 की बेची, ठीक है, टी शर्ट और शर्ट वॉट एवर। वो मैंने कितने की बेची? 135 की बेची। मैं 100 में लाया था, ठीक है, 150 का प्राइस लगा के 10% डिस्काउंट देने के बाद भी मैंने वो कितने की बेच दी? 135 की बेच दी। इसका मतलब आप समझते हैं कि वो 35 का मुझे फ़ायदा हुआ। किस पे फ़ायदा हुआ? वो 35 का मुझे फ़ायदा हुआ मेरे कॉस्ट प्राइस पे, जितने पे मैंने ख़रीदा था 100 रुपये में, तो मुझे 35% का फिर भी प्रॉफिट हो गया बच्चों। और ऐसे ही चलते हैं आपके जितने भी ये वी मार्ट हैं या अदर मार्केट्स वगैरह या जितने भी शॉप्स वगैरह हैं, वो इसी तरीके से इसी पैटर्न पर वर्क करती हैं। इंडस्ट्री से उनको जितने पे मिलता है उससे वो लेबल को बढ़ाकर एक मार्जिन अपना डिसाइड कर इतना फिक्स प्राइस बढ़ाकर उसको और वो टैग लगाकर बेच देती हैं, और उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद भी उनको प्रॉफिट हो जाता है बच्चों। क्लियर है सभी को? तो बेसिकली जो मैंने क्या करा, मैं 100 की चीज़ लाया, 100 की चीज़ लाने के बाद मैंने क्या करा, वो 150 उस पर लिस्ट प्राइस लगा दिया, मार्क प्राइस लगा दिया। तो वो जो मैंने 50 रुपये का प्राइस इंक्रीज़ किया है उसको कहते हैं मार्कअप। क्या कहते हैं बच्चों? मार्कअप। मैंने 50 रुपये का मार्कअप किया है उसके ऊपर, उसको कहते हैं मार्कअप। और वो जो प्राइस है आपका, कितने का मार्कअप किया मैंने? 50 का। और वो जो प्राइस है आपका वो है मार्क प्राइस। वो क्या है? मार्क प्राइस। वो क्या है? मार्क प्राइस। क्लियर है अभी सभी को? जितने से मैंने प्राइस को बढ़ा दिया उसे मार्कअप कहते हैं, और जितना प्राइस अब बढ़ने के बाद मैंने लगाया 150 का जो टैग लगाया उसको हम मार्क प्राइस कहते हैं, या उसका नाम है फिर लेवल प्राइस, प्रिंटेड प्राइस और मार्क प्राइस और ऑन क्या कहते हैं, ऑन अ प्रोडक्ट। क्लियर है? तो मैं खरीद के जितने की लाया वो तो सीपी है ना, तो मार्कअप कितने से हो गया मेरा? अगर एमपी माइनस सीपी कर दूंगा तो ये मेरा मार्कअप हो गया, एमपी माइनस सीपी कर दूंगा तो मेरा ये मार्कअप हो गया। मतलब अगर मैं मार्क प्राइस में से जितने में मैं खरीद के लाया, जितने का मैंने मार्कअप किया, तो वो बेसिकली मेरा मार्कअप हो गया। मतलब मैं 100 की चीज़ लाया था ना बच्चों, और मैंने 150 मार्क प्राइस लगा दिया, तो देखिए 100 150, तो 150 में से जब मैं 100 घटाऊंगा, अपना सीपी घटाऊंगा, तो मैंने कितने से बढ़ा दिया वो प्राइस? 50 से। तो जो मैंने ये 50 से बढ़ाया, ये क्या है मेरा? बेसिकली मार्कअप है। ये क्या है मेरा? बेसिकली मार्कअप है। तो मार्कअप क्या हो जाएगा? एमपी माइनस सीपी। और मार्कअप परसेंटेज क्या होगा? एमपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी। क्योंकि मार्कअप भी देखो किस पे निकलेगा, मार्कअप भी आपका किस पे निकलेगा? मार्कअप भी आपका सीपी पे निकलेगा, मार्कअप भी आपका सीपी पर ही निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने सीपी पर ही तो बढ़ाया, आपने सीपी पर ही तो बढ़ाया, तो बेस वैल्यू तो सीपी होगी ना। तो एमपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, एमपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। सच, सिंपल है सच। ये मार्कअप परसेंट हो गया आपका। क्या हो गया आपका? ये मार्कअप परसेंट हो गया। तो एमपी माइनस सीपी इंटू 100%, ये मार्कअप परसेंट हो गया। अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं बच्चों, तो मुझे फटाफट बताओ, जब मैं 100 की लेकर आया था और मैंने 150 रुपये उस पर मार्क प्राइस लगा दिया था, मैंने उस पर 150 रुपये मार्क प्राइस लगा दिया था, मतलब मैंने 50 रुपये से मार्कअप कर दिया था, तो बताओ मैंने कितना मार्कअप परसेंट किया, मैंने कितना परसेंट बढ़ाया? अरे तो यहाँ से सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना भाई, 100 से मैंने 150 कर दिया, मतलब 50 बढ़ाया, और किस पे बढ़ाया वो मैंने? 100 पे। तो सीधा सीधा नहीं दिखाई दे रहा मेरे को 1/2, मतलब 50% मार्कअप कर दिया 100 पर। वैसे भी यहाँ से पता चल रहा है 100 पर कोई चीज़ आपने बढ़ाई, 100 पर 50 से कोई चीज़ बढ़ाई आपने, तो वो कितनी हो गई? 50% बढ़ा दी ना आपने, ये मार्कअप परसेंट हो गया। क्या हो गया? ये मार्कअप परसेंट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सक्सेसिव प्रॉफिट। सक्सेसिव प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया था, इफ ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 8% प्रॉफिट एंड बी सेल्स इट टू सी एट 2% प्रॉफिट, और इफ 8% एंड 2% आर टू सक्सेसिव प्रॉफिट। तो ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक्स प्लस वाई ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100।
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन हंड्रेड, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन हंड्रेड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको ऐसे भी कर सकता था मैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट जो हमारा चलता है, मान लीजिए 10% है, 20% है, 10% का प्रॉफिट हुआ पहले, फिर 20% का प्रॉफिट हुआ पहले। ठीक है, 100 मान के भी कर सकता था, 100 पे 110 हुआ, 110 पे 20 हुआ, मतलब 22 का 144 टोटल कितना हो गया आपका। ठीक है, आप मान लो इसको 100 लेते, आप 100 पे 10% लेते तो कितना हो जाता, 110। फिर 110 पे प्रॉफिट होता ना अगला, और 110 पे प्रॉफिट कितना होता आपका, 110 पे प्रॉफिट होता है इसका ये 20%, 20% कितना हो जाता 22, तो ये हो जाता आपका 22 मतलब 133, कितना हो जाता 22% होता, सॉरी 132, कितना हो जाता 132, 132 हो जाता तो टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ गया उसका, 32%। अब इसको फॉर्मूले से निकाल लूँ मैं, 10 प्लस 20 प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा, लॉस नहीं हो रहा, और ये 10 इंटू ये 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये यहाँ से भी आ गया 10 प्लस 20 प्लस 2 दैट इज़ 32%, दैट इज़ 32%। देख लीजिए ध्यान से, 32% का प्रॉफिट हो गया, 100 मान के भी कर सकते थे, इसे रेशियो में भी कर सकते थे, रेशियो से कैसे कर सकते थे, 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई 11, एक ही चीज़ को करने का मैं कई सारे तरीके बता रहा हूँ, 20 से 20% मतलब 5 से कितनी हो गई वो चीज़ 6, तो देखिए कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 2 से ये जा रहा है 5 टाइम्स, ये जा रहा है 3 टाइम्स, ये हो गया 25, कितना हो गया 25, और ये हो गया कितना आपका 33, तो 25 से कोई चीज़ कितनी हो रही है 33, 25 से कोई चीज़ कितनी हो रही है 33, तो 8 बढ़ रही है कितने पे 25 पे, तो कितना हो गया 1/25 होता है 4%, 8/25 कितना हो गया सीधा सीधा 32%। अब मैं आपको बार बार कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, मैंने सेशन कई बार ये चीज़ें बता चुका हूँ सेशन, तो 8/25 कितना हो गया 32%, ये रेशो से हो गया, वो 100 मान कर हो गया, और वो आपका फॉर्मूले से हो गया, जो आपको सही लगे वो कर लेना, और डेटा जिस हिसाब से उस हिसाब से करना है। ये सक्सेसिव क्या हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, क्या हो गया सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे सक्सेसिव लॉस भी हो जाएगा, सक्सेसिव लॉस में फॉर्मूले में बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, इफ ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 8% प्रॉफिट एंड बी सेल्स इट टू सी एट 20% प्रॉफिट एंड इफ सी पेड रुपीज एक्स देन अमाउंट पेड बाय द ए, ये वही है कॉन्सेप्ट आपका जो पीछे परसेंटेज में पढ़ा है, तभी मैंने कहा था परसेंटेज अगर ऑलरेडी हो गया है आपका तो प्रॉफिट एंड लॉस इज जस्ट लाइक अ इजी टास्क। ठीक है, ये देखिए, मान लो उसने क्या कहा, इफ ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 8% प्रॉफिट, मैं कहता हूँ 10% प्रॉफिट में बेचा उसने बी को, एंड बी सेल्स इट टू सी एट 20% प्रॉफिट, 20% पे बेचा, एंड इफ सी पेड रुपीज कितना, एक्स की जगह में मैंने मान लिया आपको 320 रुपये, कितना 320 रुपये उसने दिए फाइनली, देन द अमाउंट पेड बाय ए, तो ए कितने पैसे देगा, देन द अमाउंट पेड बाय ए, ए कितने पैसे देगा, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, सक्सेसिव प्रॉफिट 32%, और 32% की वैल्यू ही तो बच्चों इसने कितनी दी है 320 के बराबर, 32% की तो वैल्यू इसने कितनी दी है 320 के बराबर, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 100, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, क्लियर है, तो 100 रुपये की थी वो चीज़ कोई जो उसने बेची, है ना, ऐसा ही है, नहीं बच्चों, ये 32% का फायदा हुआ है, बट ये 320 उसने टोटल अमाउंट दिया, इसका मतलब ये 132 की वैल्यू है, ये 132 की वैल्यू है, जो आपका 320 रुपये उसने दिए हैं ना, वो 132 की वैल्यू दी है, 32 का तो उसे फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और उसने दिए कितने 320 रुपये दिए, तो 132 की वैल्यू बच्चों, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100% की वैल्यू आएगी आपका 320 डिवाइडेड बाय 132 इंटू 100, ये आएगी आपकी, ये प्राइस होगा वो, जितने वो इनिशियली था, जितने वो इनिशियली था, क्लियर है सभी को। चलिए बच्चों, इससे आगे का जो सेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अब, और कॉन्सेप्ट आप काफ़ी पढ़ चुके हैं परसेंटेज के, तो आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा ये। इससे आगे का सेशन अगर आपको देखना है, तो उससे पहले मेरी भी रिक्वायरमेंट है, आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर आपको लगता है आंसर मतलब बने रहिएगा सेशन से, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ना आप लोग देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पढ़ा ही नहीं रहे ढंग से। अगर आप सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं विद
फुल एफिशिएंसी विद फुल एनर्जी, ठीक है। तो प्लीज़ जो टारगेट है मेरा 100 लाइक्स का, आज उसे पूरा कर देना, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कर सको तो कर देना, अदरवाइज सेशन में यहीं रोक दूंगा। क्या फ़ायदा मैं किसके लिए पढ़ाऊँ फिर, खुद के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।